अहोई माता की। भक्तों, अहोई अष्टमी का व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। पुत्रवती माताएं बहने इस व्रत को बड़े ही मन से और भाव के साथ रखा करती, जिससे उनकी संतानें जीवन भर आरोग्य सुख यश वैभव प्राप्त करती हैं। इस दिन सभी पुत्रवती माताएं बहने सुबह से ही कठोर निर्जला उपवास रखती हैं तथा सायंकाल को तारों को अर्घ्य देकर माता अहोई का पूजन अर्चन पूरे विधि विधान से करने के पश्चात ही भोजन ग्रहण करती हैं। इस दिन माता अहोई का चित्र गेरू से किसी साफ दीवार अथवा किसी साफ कपड़े पर बनाकर पूजन अर्चन किया जाता है। तो आइए भक्तों, आज मैं आपको माता अहोई के व्रत की पावन कथा संगीतमय रूप से सुनाने जा रहा हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है इस कथा के श्रवण का फल आपकी संतानों को मिलेगा और वो जीवन में सुखी रहेंगी। तो बोलिए अहोई माता की। अहोई कथा बड़ी है महान, अहोई कथा बड़ी है महान, अहोई कथा बड़ी है महान, अहोई कथा बड़ी है महान। व्रत करने से सुखी रहेंगी, व्रत करने से सुखी रहेंगी आपकी संतान, आपकी संतान। अहोई कथा बड़ी है महान, अहोई कथा बड़ी है महान, अहोई कथा बड़ी है महान, अहोई कथा बड़ी है महान। कथा श्रवण से पहले सात तरह के अनाज के दाने अपने अपने हाथों में ले लीजिए भक्तों। यह दाने कथा के समापन पर गौ माता को खिलाने। कथा कुछ इस प्रकार से है भक्तों, किसी नगर में एक साहूकार अपनी पत्नी सात पुत्रों और पुत्रवधुओं सहित रहा करता था। उसकी इकलौती पुत्री त्योहार मनाने अपने मायके आई हुई थी। दीपावली में घर लेपना था, सो वो अपनी भाभियों के साथ जंगल में मिट्टी लेने के लिए गई। परंतु पुत्री जहाँ से मिट्टी खोद रही होती है वहीं नीचे स्याहू के बच्चे होते हैं और भूलवश पुत्री की खुरपी से स्याहू का बच्चा मर जाता है। स्याहू माता क्रोध में कहती है कि जा, मैं तेरी कोख बांधने का श्राप देती हूँ। पुत्री अपनी सभी भाभियों से कोख बंधवाने का अनुरोध करती है परंतु सारी भाभियाँ मना कर देती हैं। ऐसे में छोटी बहू कोख बंधवाने पर तैयार हो जाती है। आगे क्या होता है भक्तों, आइए सुनते हैं। स्याहू ने था श्राप दिया और बहू ने कोखली बंधवाई, सात पुत्र हुए छोटी बहू के पर वो सुख ना ले पाई। सात दिनों के होते होते पुत्र वो मर जाते थे, छोटी बहू के रो रो के तो नैना भर भर आते थे। जीवित ना रह पाती उसकी, जीवित ना रह पाती उसकी कोई भी संतान, कोई भी संतान। अहोई कथा बड़ी है महान, अहोई कथा बड़ी है महान, अहोई कथा बड़ी है महान, अहोई कथा बड़ी है महान। बहुत दुखी होकर जब बहू ने पंडित जी से उपाय पूछा तो पंडित जी ने सुरही गैया की सेवा एकमात्र उपाय बताया। छोटी बहू पूरे
पूरे आदर और निष्ठा के साथ सुरही गैया की सेवा करने लगी। सुरही गैया सेवा से प्रसन्न हो जब सेवा का कारण पूछने लगी तो छोटी बहू ने रो रो कर सारी कथा सुनाई। तब सुरही मैया ने उसे स्याहू से मिलवाने हेतु सात समुंदर पार ले जाने का निर्णय किया और दोनों यात्रा पर निकल पड़े। चलते चलते दोनों थक गए भक्तों और उस पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे जहां पर गरुड़ पंखिनी के घोंसले में दो बच्चे थे। आगे कथा कैसे कैसे मोड़ लेती है आइए सुनाता हूँ। बहू ने देखा एक सांप तो पेड़ के ऊपर जाता है। वो सोची ये गरुड़ पंखिनी के बच्चों को खाता है। एक पल को ना देर लगाई सांप बहू ने मार दिया। गरुड़ पंखिनी आई वहां पर खून सारा बिखरा हुआ। सोचा बहू ने बच्चे मारे सोचा बहू ने बच्चे मारे वो तो थी अनजान वो तो थी अनजान। अहोई कथा बड़ी है महान अहोई कथा बड़ी है महान अहोई कथा बड़ी है महान अहोई कथा बड़ी है महान। गरुड़ पंखिनी ने जब सांप का रक्त इधर उधर बिखरा देखा तो सोचा कि बहू ने उसके बच्चों को मार दिया है। यह सोच वो उसे चोंच से मारने लगी परंतु जब उसे सत्य ज्ञात हुआ तो वो बहुत लज्जित हुई और उसके बाद उसने सुरही गऊ माता और छोटी बहू को अपने पंखों पर बिठा लिया तथा सात समुंदर पार स्याहू माता के पास छोड़कर आ गई। स्याहू माता सुरही गऊ से मिलकर बहुत प्रसन्न हुई और छोटी बहू चुपचाप गऊ माता और स्याहू माता की सेवा करती रही। अब वापस जाने का समय आया भक्तों। ज्यों ही छोटी बहू ने स्याहू माता के चरण स्पर्श किए स्याहू माता ने प्रसन्न होकर उसे सात पुत्रों की माँ होने का वर दिया। वर सुनकर बहू जोर जोर से रोने लगी। स्याहू माता ने जब रोने का कारण पूछा तो बहू ने सारा हाल बताया। कैसे फली भूत हो गावर कोख आपने बांधी है। मेरा जीवन कोरा कागज चली दुखों की आंधी है। आशीर्वाद कभी भी मेरा सुन खाली ना जाएगा। सात पुत्रों की माँ तू बनेगी वचन मेरा भरवाएगा। घर जाकर अहोई माँ का घर जाकर अहोई माँ का करना तू आवाज़ करना तू आभान। अहोई कथा बड़ी है महान अहोई कथा बड़ी है महान अहोई कथा बड़ी है महान अहोई कथा बड़ी है महान। स्याहू माता छोटी बहू से बोली हे पुत्री तू बहुत चतुर है तूने बड़ी चालाकी से मेरी सेवा करी और सात पुत्रों का आशीर्वाद ले लिया परंतु याद रख मेरा आशीर्वाद सदैव फलीभूत होता है। तू सात पुत्रों की माँ अवश्य बनेगी। घर जाकर अहोई माता का उद्यापन करना सात कढ़ाई करना सात तरह के भोग बनाना सूर्योदय से पहले से लेकर सायंकाल तारों के आने तक निर्जला उपवास रखना तारों को अर्घ देकर अहोई माता का पूजन अर्चन कर उसके बाद ही प्रसाद ग्रहण करना। जा तुझे तेरे सातों पत्र जीवित वापस मिल जाएंगे।
और ऐसा ही हुआ भक्तों, जो ही बहू घर में आती है तो क्या देखती है, उसके साथ पुत्र अपनी अपनी पत्नियों के साथ वहां पर स्थापित है। सबने मिलकर बड़ी श्रद्धा से अहोई माता का व्रत पूजन उपवास किया, रात को तारों को अर्घ देकर प्रसाद ग्रहण किया तथा अहोई माता की जय जयकार करी। तो आप भी मेरे साथ बोलिए, बोलिए अहोई माता की। जो ही घर वापस आई तो पुत्रों को जीवित पाती है, माता अहोई की वो भक्तों जय जयकार लगाती है। स्याहू माँ ने जो बतलाया वैसा करती जाती है, व्रत अहोई माँ का करती माँ का गुण वो गाती है। माता अहोई सुखी रहे सब, माता अहोई सुखी रहे सब, मेरी तो संतान, मेरी तो संतान। अहोई कथा बड़ी है महान, अहोई कथा बड़ी है महान, अहोई कथा बड़ी है महान, अहोई कथा बड़ी है महान। तब से पूरा परिवार मिलजुल कर एक साथ रहने लगा भक्तों। जहां कल तक वीराना था, आज बच्चों की किलकारियां गूंज रही थी। पूरा परिवार हर वर्ष अहोई माता का व्रत उपवास पूजन पूरी श्रद्धा और विधि विधान से करता और प्रार्थना करता कि हे स्याहू माँ, जैसे छोटी बहू की कोख बांधी थी वैसे किसी और की कोख कभी न बांधना, और जैसे छोटी बहू के सातों पुत्रों के प्राणों को वापस लौटाकर उसके जीवन में खुशियां भर दी थी, वैसे ही सभी माताओं को पुत्रवती करना, उनकी संतानों को सुख समृद्धि यश वैभव धन धान आरोग्य प्रदान करना माँ। तो एक बार फिर मेरे साथ बोलिए, बोलिए अहोई माता की। जैसे कोख बांधी थी बहू की और किसी की बांधो ना, जैसे रक्षकी उसके पुत्र की कृपा सभी पे कर देना। पुत्रवती हो सब माताएं ऐसा वर मैया देना, सुखी रहे संतान सभी की ऐसा काम तुम कर जाना। चंदन तिलक अहोई माँ का, चंदन तिलक अहोई माँ का, करता है गुणगान, करता है गुणगान। अहोई कथा बड़ी है महान, अहोई कथा बड़ी है महान, अहोई कथा बड़ी है महान, अहोई कथा बड़ी है महान।